रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने और क्या पढ़ी है, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि जो अभिक्रियाएं हैं वो चार प्रकार की होती हैं। सबसे पहले क्या, संयोजन, वियोजन और विस्थापन। फिर विस्थापन में क्या होता है, एकल और द्विकल। इस चीज को हम किसके द्वारा समझेंगे, एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। आपने प्रैक्टिकल में भी देखा है अपना, कॉपर सल्फेट जो होता है उसके की जब हम लोहे के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो हम क्या देखेंगे, कैसे हम उसको करके देखेंगे, हमारे पास ये जो नीले रंग का है ये क्या बेटा, कॉपर सल्फेट। इसको हमने पानी के साथ मिला के और इस तरीके से इसका घोल बना लिया, ठीक है। घोल बना के, वैसे तो हमने कर तो कल दिया था ये, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसी तरीके से फिर हमने इसमें क्या लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था और इसके अंदर हमने क्या डाली थी, दो कील। कील किसकी बनी हुई होती है, लोहे की। ये कील हमने डाली थी कल और आज हमने इसका देखा है तो आज हमें इसका पूरा रिजल्ट मिल गया है। कल इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हुआ था और आज इसका हमें पूरी अच्छी तरह से रिजल्ट मिल गया। अब ये कौन, किस तरह का कलर है बेटा इसका, ये भूरा। भूरा क्यों हुआ भूरा, क्योंकि इसमें क्या था, जो कॉपर था उसको आयरन ने यानी लोहे ने विस्थापित कर दिया, तो कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन गया, आयरन सल्फेट। तो ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो कोई और डाउट इसमें।